दोस्तों, अब जल्दी निकलो यहाँ से। मॉर्निंग जिम। बकवास बंद करो और ये बताओ कि मुझे हुआ क्या है। देखो, खबर बिल्कुल अच्छी नहीं है। कैंसर शरीर में फैल चुका है। Thank you.
मेरे साथ आने वहां जेम ये तो चमत्कार हो गया वाह क्या बात है थोड़ा साइड प्रोफाइल ओके अब हाथ थोड़ा कमर पर रखो ओके वेरी नाइस तुम तो कमाल लग रही हो वाह लो फोटो सेशन तो पूरा हो गया ऑलराइट ओके मैं कॉल कर लेती हूँ कुछ नहीं होगा आराम से
बहुत बोरिंग था। सच में क्या कह रही हो? तो मैं और पायक 1.5 साल तक डेट कर रहे थे। वो आदमी तो एक नंबर का डफर है। सच में यार क्या बताऊं? जब देखो पीछे पड़ जाता था। मुझसे पूछो तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं। अरे नहीं, बात वो नहीं है, बस दिन रात वही बातें। अजीब, वो वहाँ देखो क्या है वहाँ। यहाँ तो क्या हुआ? ये पेड़ मुझे चुभ रहा है। एक मिनट सुनो तो। रुक जाओ। क्या हुआ? क्योंकि मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। तो क्या हुआ? मुझे तुम पसंद हो, तुम्हें मैं पसंद हूँ। तुम और क्या जानना चाहती हो? जैसे कि तुम्हारा सरनेम लिस्टर। वो 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 वो, तुम्हारा नाम जॉर्ज लिस्टर है? हाँ, तो क्या? कैरी ने मुझे सब बता दिया है। कैरी एक नंबर की झूठी है, वो जो कहती है सब झूठ है। सुनो मिस्टर लिस्टर, तुम्हारा कोई चांस नहीं। रुको तो, तुम जा कहाँ रही हो? क्या बकवास है, कहाँ जा रही है ये? रुको तो सही। एंस, पहले कभी टेंट लगाया है तुमने? हाँ हाँ, कई बार। मैं तो नंबर 1 स्काउट था। क्या वाकई? हाँ हाँ, ईगल स्काउट। क्या तुम्हें नेटवर्क मिला? इस जंगल में कहाँ नेटवर्क मिलेगा यार? ये टेंट क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? कैसे होगा, तुम इसे लगाना जो भूल गए हो। कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। थैंक्स। दोस्तों ये खबर सुनो, बेयर क्लॉ माउंटेन मैसेकर में 23 लोग या तो मारे गए या मिसिंग हैं। माइक, कैंप लगाने में तुम हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे हो? अब ये खबर सुनो, लोगों का कहना है कि इन लोगों की जान एक जानवर ने ली थी जिसकी हाइट 8 फीट थी और कलर एकदम काला। यहाँ के लोकल्स उसे मौत का साया कहते हैं। इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना? हे, ये क्या कर रहे हो? बहुत हो गया, अब काम करो, समझे? देखो तुमने ये क्या किया, ये कोई खिलौना नहीं है यार, ये मेरी मॉम ने गिफ्ट किया है। और वैसे भी मैं साइंस पर यकीन करता हूँ, मुझे तुम्हारी फालतू बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे? एक्सक्यूज मी, तुम्हें ये झूठ लगता है? न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे उनकी न्यूज है। दोस्तों पिछले 100 साल में 23 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है ठीक इसी जगह। शायद बेयर हो सकता है, इसीलिए इस जगह को बेयर क्लॉ माउंटेन कहते होंगे। क्या तुम सब लोग जानते हो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम तीनों में जरा भी इमेजिनेशन नहीं है। रियली? ये क्या बकवास करते हो? ओहो, तुम्हें देखकर ही मुझे उल्टी आती है। मैं सॉरी कह रहा हूँ ना तुमसे, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। तुम्हारे सॉरी कहने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा कमीने। प्लीज डोना, शांत हो जाओ, जो हो गया सो हो गया। इस वक्त हमें बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। हार्ड में गया बच्चा, तुमने मेरे पति के साथ सोने की हिम्मत कैसे की? ओ, बस करो यार डोना, इस बात के लिए तुम हमें कभी माफ नहीं करोगी क्या? को मुझे सोचने दो, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, हम दोनों बहरे नहीं है, समझी? मैं चिल्ला रही हूँ, तुझे नहीं पता कौन चिल्ला रहा है भड़वे? लगता है मैंने किसी को ठोक दिया है। तुम दोनों के झगड़े में मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। नो, तुम मुझे ब्लेम मत करो, ये सब तुम्हारी इस फकिंग गर्लफ्रेंड की वजह से हुआ है। तुम अपनी बकवास बंद करो डोना, समझी? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अभी कुछ कर रही है। शट अप ब्लडी बिच, प्लीज चुप हो जाओगी तुम दोनों? प्लीज शट अप, और प्लीज मुझे चेक करने दो कि हुआ क्या है। जल्दी बाहर निकलो और देखो कि कौन है। तुम अपना मुंह बंद रखो, काश तुम गाड़ी के नीचे आ जाती। मुझे ऐसे मत डराओ। कहाँ गया जेक? मैं बस यहां से बाहर निकलना चाहती हूँ। शिट, फक ऑफ। जैक, तुम ये सब नाटक करना बंद करो और सीधे टो ट्रक को कॉल करो। कसम से यार, आज तक ये सबसे बकवास ट्रिप है, मुझे बस घर जाना है। जैक, जैक, जैक!
तुम कितनी अजीब हो ना। तुमने कहा था कि मैं पॉजिटिव सोचूं और मैं ठीक भी हो रहा हूं अब, लेकिन अब तुम ही मुझसे डर रही हो। वाह, मुझे डर लग रहा है क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम्हें शायद लगेगा कि मैं पागल हो गया हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब मैं उस काले कीचड़ में गिरा था तो मुझे लगा कि मैं नहीं बचूंगा। लेकिन उस घटना से मेरा कैंसर ठीक हो गया। अब मैं पूरी तरह से ठीक हूं। आई कैन फील इट। एक और बात, बाजू की साइड पर जो रहने आया था वो आज चेकआउट करने वाला था, लेकिन अभी तक आया नहीं है और ना ही उसने अपना कैंप निकाला है। किसी ने उस बंदे को देखा है? नहीं, नहीं देखा। शायद जंगल में कहीं खो गया होगा। उम्मीद है शाम तक लौट आएगा, वरना हमें ढूंढना पड़ेगा। चलो देखना, तुम लोग मत भटक जाना। एक मिनट शरीफ, जरा सुनिए, क्या आप मौत के साए के बारे में कुछ जानते हैं? यहाँ के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि एक क्रीचर है जो हर 50 साल बाद लौट आता है। अंधेरे से निकले उस शैतान के दिल में सिर्फ नफरत और गुस्सा है। उसके सामने जो आता है उसे वो मार देता है। लेकिन ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। तुम्हें इन चीजों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सब बस एंजॉय करो। तुम इस दुनिया में रहने के लायक नहीं। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो मैं तैयार। मैंने कहा था ना, कहानी सच है। अब ये क्या हुआ? सुनिए डॉक्टर जोन्स, हमें नेटवर्क मिल गया है। ओ यार, सब लोग जरा यहाँ आओ। यूएसजीएस सैटेलाइट के हिसाब से भूकंप का केंद्र ठीक यहाँ होना चाहिए। ईपीए के यहाँ पहुँचने से पहले हमारे पास सैंपल्स इकट्ठा करने के लिए सिर्फ 2 दिन है। हम ये काम उन्हें क्यों नहीं करने देते? उनके पास बेहतर इक्विपमेंट्स भी होंगे और उन्हें सैलरी भी तो मिलती है। देखो, हमारे पास वक्त कम है और बहुत बड़ा एरिया कवर करना है, इसलिए मैं कुछ टीम्स बनाऊंगा और हर टीम को खास टास्क दिए जाएंगे। माइक, एमा, तुम दोनों ने बायोलॉजिकल ट्रेनिंग ली है ना? और तुम? पॉलिटिकल साइंस लेने के पहले मैं बायोलॉजी पढ़ रही थी। तो मेरी टीम में रहोगी। माइक, हाँ, मैं चाहता हूँ तुम एपिसेंटर और आसपास के इलाके की पूरी बायोलॉजिकल और केमिकल जांच पूरी करो। एंस और शीला, तुम दोनों डिटेल में साइस्मिक और जियोलॉजिकल एनालिसिस करो। तुम दोनों दूसरे बड़े डिपॉजिट की जांच करोगे जो E7 से E14 तक है। ओके, अब बचे जॉर्ज और एम्बर। मुझे पूरा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट लॉग और सॉयल सैंपल्स चाहिए। पूरा जोर लगा देना, जितना गहरा जा सको उतना। मैं इसके लिए तैयार हूँ। याद रखो, हम चैनल 2 पे बात करेंगे। किसी को कुछ मिले तो तुरंत खबर करना। अब इंतजार किसका है, चलो निकलते हैं। एक्सक्यूज मी, देख कर नहीं चल सकती? रास्ते में तुम खड़े। ठीक है, पर ये कोई तरीका नहीं हुआ। चुप रहो। ओके फाइन शीला, मुझसे पंगा लेने के पहले सोच लो। हाँ, पता है, पता है। ओ, शट अप। क्यों शट अप? तुम शायद मेरे बारे में ठीक से जानती नहीं। सब जानती।
तुम पूरा दिन सोने वाले हो? लगता है कोई बेयर क्लॉ माउंटेन का इस्तेमाल टॉक्सिक कचरा फेंकने के लिए कर रहा है। हमारे यहाँ तो जैकपॉट लगा है, इसके लिए हमें प्रोफेसर जोन्स जरूर ए प्लस देंगे। कुछ फोटोज खींच लो ना। कैसे है दोस्त? हाय, मैं डॉक्टर क्रिस जोन्स हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्विसेज से। ऊपर आते आते तो मेरी सांस फूल गई। खैर छोड़ो, हम यहाँ पिछले हफ्ते आए भूकंप की एक सीरीज की जांच करने आए हुए हैं। और हे सुनो, तुम ये सब बंद कर दो। देखिए, हम आपको तकलीफ देने नहीं आए हैं, हमें बस कुछ सैंपल्स चाहिए। एक घंटे के अंदर हम यहाँ से चले जाएंगे, हमें बस आपकी परमिशन चाहिए। निकलो यहाँ से। ओके, तुमने सुना ना बच्चों, चलो। मुझे तो ये बिल्कुल साइको लगता है। हाँ, मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही लगा। प्लीज नाराज होकर मत जाइए। इरादा बदल जाए तो मुझे कॉल करना। ऐसा मत कहो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ, तुम मुझे गलत समझ रही हो, तुमने अब तक मुझे पहचाना ही नहीं। मैंने तुम्हारे बहुत किस्से सुने हैं। देखो, वो सब झूठ है, सिवाय मेरे परफॉर्मेंस को छोड़कर। प्लीज ये बचपना बंद करोगे, यही हरकतें तुम्हें छिछोरा बनाती हैं। मुझे लगा मैं तुम्हें पसंद हूँ। हाँ थे, वो कल की बात है, लेकिन आज मैंने इरादा बदल लिया। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? कुछ नहीं, बस अभी मेरा मूड नहीं है, समझे? मैं समझ गया, तुम्हारी प्रॉब्लम चल रही है। कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगा। हद करते हो तुम भी, हमेशा बकवास ही बातें करते हो। हाँ, मान भी जाओ, मुझे क्यों तड़पा रही हो? मुझे तुम पसंद हो और तुम्हें मैं भी अच्छा लगता हूँ। देखो, तुम्हें अब सैंपल्स इकट्ठे करने चाहिए, मुझे काम करने दो। ठीक है, अब तुम खुद मेरे पास आओगी, सारी लड़कियाँ आती हैं। देखेंगे। आप कहाँ जा रहे हो? थोड़ा हल्का होने, चाहो तो साथ चलो, अपनी आंखों से देख लेना। एम्बर फोकस करो, ए प्लस चाहिए ना। इसे ऑन करते हैं। ओके, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है। मैंने जल्दी पैक करो, निकलो यहाँ से। क्या बात हो गई? कम ऑन,
मुझे लगा सुसु करने गए हो। हाँ, लेकिन इरादा बदल गया। प्लीज जल्दी करो। कर रहा हूँ। कम ऑन। आ रहा हूँ। ओ, क्या है ये सब? जल्दी पैंट पहनो और चलो। अरे प्लीज जरा चुप रहोगी तुम? जल्दी करो जॉर्ज। आखिर प्रॉब्लम क्या है? वहाँ वो देखो। शिट, ये कहाँ से आ गया? किसने किया ये सब? अरे मुझे कैसे पता होगा, जल्दी मुझे रेडियो दो। क्यों? ये लो। हेलो डॉक्टर जोन्स। क्या हो रहा है डॉक्टर जोन्स? जवाब दीजिए डॉक्टर जोन्स। मैं बात करता हूं। अरे हमारे बैग्स का क्या होगा? रुको तो। चलो चलो भागो यहां से, निकलो। मेरे लिए रुको जॉर्ज। तुम दोनों यहीं रुको, मैं अभी आया। सीरियसली okay. पता नहीं यहाँ क्या चल रहा है। माइक, एमा, जल्दी यहाँ आओ। वो ये गड्ढा तो बहुत बड़ा है। संभल कर एमा, इसका फ्लो पैटर्न खराब मत करना। माइक जल्दी इसकी फोटो निकालो, उस तरफ से भी लेना, मुझे इसकी क्लोजअप्स भी चाहिए होंगी। ये तो बहुत ही अजीब लग रहा है, जरा देखो तो। आखिर ये क्या चीज है? इसमें ऑक्सीजन का एक भी अणु या पानी का कतरा बाकी नहीं है, जैसे किसी ने इसमें से पूरा पानी निचोड़ लिया हो। इसलिए ये जानलेवा है, सेल्यूलर कोलैप्स और डिहाइड्रेशन। मैंने पहले कभी ऐसी जियोकेमिकल रिएक्शन नहीं देखी। ओके, तो हमें इसकी पूरी जांच करनी होगी। पर उसमें तो 3 घंटे लगेंगे। जल्दी काम शुरू कर दो। जॉन्स बोल रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं। बकवास है, हम कहाँ फंस गए? आकर जरा ये देखो, ये इसी गड्ढे का सैंपल है। ये तो किसी सेल स्ट्रक्चर जैसा लग रहा है। तुम्हारा मतलब ये कीचड़ जिंदा है? किसी जमाने में जिंदा था। लाइफ पैदा करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी लगती है, और इतनी कम मात्रा में इतनी एनर्जी नहीं हो सकती। ये यकीनन किसी बड़े तालाब का हिस्सा है। तुम दोनों ने कमाल कर दिया। आज का काम यहीं रुकते हैं और बेस पर वापस चलते हैं। बाकी सबको खबर कर दो, जल्दी बेस पर मिले। सारे ग्रुप्स वापस बेस कैंप पर लौट आएं। आई रिपीट, सब लोग बेस कैंप पर वापस लौट आएं। ये चाहिए तुम्हें? ठीक हो जाएगा जिम, तुम्हें कुछ नहीं होगा,
कहाँ जा रहे हो तुम? कहीं नहीं, मैं जरा बाथरूम जा रहा हूँ। जल्दी वापस आना, मुझे ठंड लग रही है। तुम सो जाओ, मैं आता हूँ अभी। रजीना, तुम सुन रही हो? मॉर्निंग रॉब, बोलो सुबह सुबह कैसे याद किया? रैंडी से कहो अपना ट्रक लेकर जंगल पहुंचे इसी वक्त। अभी भेजती हूँ शेरिफ। और उसे किट लेकर आने को कहो, कल रात जंगल में दो लोगों का खून हुआ है। शायद नेट पर कट गया था, मैंने सुना दो लोगों का। सही सुना है तुमने। और रजीना एक काम और करो, यहाँ कॉलेज के बच्चों का ग्रुप आया हुआ है, कॉलेज के जियोलॉजी डिपार्टमेंट को फोन करो और उनसे डॉक्टर जोन्स का फोन नंबर ले लो। तुम समझ गए मैंने क्या कहा? हाँ, मैं अभी कॉल करती हूँ। थैंक्स रजीना, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ये देखा कि तुम्हें कोई मार रहा है और वो मैं ही हूं। तुमने ये क्या किया? नींद की दवा है, अच्छी नींद आएगी, सो जाओ बेहतर फील करोगे। मुझे नहीं सोना। चलो जिम, सो जा। तुम्हारे पास सिगरेट है क्या? सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। हमारी एक टीम को क्वाड्रेंट 17 में जहरीला कचरा मिला। देखो मैंने सॉल्व किया है। नहीं, अभी तक उन्हें कुछ नहीं पता। हाँ, मैं भी बस यही सोच रहा था। हेलो हेलो, आपकी शेरिफ से बात हो गई? हाँ, शेरिफ आज यहाँ नहीं आ सकता। सब लोग इकट्ठा हो जाओ, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। जॉर्ज और एम्बर कहाँ हैं? कल रात दोनों वापस ही नहीं आए सर। वाकई? मैंने उनके टेंट्स चेक किए, वे दोनों टेंट्स में नहीं हैं। ठीक है, मैं उन्हें ढूंढने की कोशिश करूंगा। लेकिन मेरी कॉलेज से बात हुई है और वे चाहते हैं हम अपनी रिसर्च जारी रखें। हम उन कमीनों के खिलाफ सबूत जुटाने में मदद कर सकते हैं जिन्होंने यहाँ टॉक्सिक कचरा फेंका है। माइक, एमा, आज तुम दोनों को ही संभालना होगा। मैं आज फिर से केंद्र की जांच करने जाऊंगा, शायद उस बंदे का मूड आज कुछ बेहतर हो। एमा, तुम इंचार्ज हो। हाँ, उन्होंने तुम्हें इंचार्ज क्यों बनाया? इसमें हंसने जैसा क्या है? कुछ नहीं, मुझे सब पता है, वो तुम्हें ज्यादा मानते हैं।
जॉर्ज, कहाँ फंस गई मैं? जानती हूँ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं उसकी पूरी फिजिकल चेकअप करवाना चाहती हूँ और कैट स्कैन भी, पता नहीं। अच्छा फोन रखती हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। ओह जेम, हनी, तुम बिस्तर से उठकर यहाँ क्यों आ गए? फोन पे कौन था? हनी बैठो ना, मैंने डॉक्टर को तुम्हारे बारे में बताया, उन्होंने चेकअप के लिए अगले हफ्ते की अपॉइंटमेंट दी है। तुम्हें जिसकी भी अपॉइंटमेंट लेनी है तुम ले सकती हो, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगा। शायद तुम्हें नहीं पता कि तुम कितने बीमार हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल रात जो कुछ भी हुआ क्या वो तुम्हें याद है? तुम यहां से चली जाओ। सब ठीक है, बस नींद की दवा है, बैठ जाओ। मैं मरना नहीं चाहता डैम, मुझे बचा लो। सिटी हेल्प सेंटर? हाँ, मुझे नजदीकी हॉस्पिटल का नंबर चाहिए। ओके थैंक यू। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मुझे यहाँ बूबी ट्रैप से सावधान रहना होगा। एमा, 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 मुझे एक और गड्ढा मिला है। जानते हो, इतना बड़ा बैरल बाहर फेंकने के लिए जबरदस्त भूकंप आना चाहिए। तुम इस एंगल से शूट कर सकते हो। अब ये क्या है? मुझे पता नहीं पर बड़ा अजीब लग रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या, जरा मुझे दिखाओ। मेरे ख्याल से इसका सेल स्ट्रक्चर भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे कल के सैंपल का था। हाँ हाँ, तो यहाँ से गिरा होगा और इसमें घुल गया होगा। मैं कुछ करती हूँ। तुम ये क्या कर रही हो? संभल के एमा। तुमने देखा?
अब ये क्या? रजीना। यस शेरिफ। मुझे वो गुमशुदा हाइकर मिल गया है। तुम्हारी कॉलेज से कोई बात हुई क्या? अभी तक तो नहीं। जेरी को कॉल करो, उससे कहो फौरन पार्क बंद कर दे, यहाँ एक खूनी आजाद घूम रहा है। तुम्हें कुछ मिला? नहीं नहीं अभी तक तो कुछ नहीं। हम यहाँ बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा देखो, ऐसे रोने से तो हम घर पर नहीं पहुँचने वाले। ये वो नहीं है जो हम सोच रहे थे। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना एंस? हाँ बोलो ना, मैं सुन रहा हूँ। डॉक्टर जोन्स ने कहा था इसका अपना सेल स्ट्रक्चर है, कहा था ना? शायद ये केमिकल वेस्ट से निपटने का नेचुरल तरीका हो। ये तुम्हारी थियोरी तो काफी इंटरेस्टिंग है। पता नहीं। एक मिनट, यहाँ पर सस्मिक एक्टिविटी हो रही है। फाइनली। अजीब बात है, लगता है इसका अपना कोई रिदम है। मतलब भूकंप आ रहा है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इससे दूर रहो, तुम अब सुरक्षित हो। तुम्हारे बाकी के साथी कहाँ हैं? तुम्हारे साथी कहाँ हैं? ये मुझे दो। हेलो हेलो, कोई सुन रहा है? मैं शेरिफ रेनल्ड्स बोल रहा हूँ, जल्दी से बैकअप टीम बनाओ और फौरन इसी वक्त जंगल में आ जाओ। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? जो कहा है वो करो, ये इमरजेंसी है, जल्दी करो, फौरन जंगल में आ जाओ। तुम यहाँ से भाग जाओ, तुमने सुना नहीं, जाओ यहाँ से। देखो सारे टेस्ट तो यहाँ नहीं हो सकते क्योंकि मेरे पास सारे इक्विपमेंट्स नहीं है यहाँ। कोई बात नहीं, लेट्स सी। ऊपर से तो नॉर्मल लग रहा है, ये रेड सेल काउंट थोड़ा हाई है, ब्लड शुगर थोड़ा ज्यादा है, इसके अलावा और तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। एक मिनट, थोड़ा जूम इन करके देखते हैं। लगता है जेनेटिक लेवल पर सेल्स में कुछ बदलाव है। रुको, सैंपल। नहीं बस पहुंचने वाले, क्यों? क्या? चलो चलो जल्दी चलना होगा। ओ, मेरी कार का ये हाल किसने किया? माइक, माइक,
यार तुमने वो ही जान निकाल दी थी। मैं बहुत डर गया था यार। हुआ क्या है? माइक माइक। एमा, उसने शरीफ को मार डाला, शीला को भी मार डाला, वो हमें भी नहीं छोड़ेगा। शांत हो जाओ, मुझे बताओ क्या हुआ है। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अच्छा हाईवे किस तरफ है? मेरे ख्याल से हाईवे उस तरफ है। ठीक है। एंस रुको। कहाँ जा रहे हो? रुको। एंस रुको। अचानक हम पर हमला किया, शरीफ ने उसे गोली मारी लेकिन वो मरा नहीं, समझे? हुआ क्या? बताओ मुझे। नहीं पता, बस भागती रहो। एंस रुको। एंस हम रास्ता भटक गए। सुनो, हम रास्ता नहीं भटके हैं, हाईवे वहाँ उस तरफ है, पर मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक सच नहीं बताते। मार दिया क्या? लेकिन किसने मारा तुम बताओ। तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब क्या है? रुको एंस, रुको हमारे लिए। मैंने उसे देखा मैंने, वो कोई मॉन्स्टर की तरह लगता है। उन लोगों की जान उसी ने ली थी, वो 8 फीट ऊंचा, बिल्कुल काला, पक्का ये वही मॉन्स्टर है। नहीं, लेकिन मॉन्स्टर से मतलब क्या है? शायद तुम लोग भूल गए कि शरीफ ने क्या कहा था। प्लीज मेरी बात का यकीन करो, वो मॉन्स्टर असली है। हम तो कल से ही इस जंगल में है, हमें तो कोई मॉन्स्टर नहीं दिखा। मैं झूठ बोल रहा हूँ। तुम लोग ने वो आवाज सुनी? वो शैतान कभी भी उठ सकता है। कम ऑन एंस, एंस मुझे पता है तुम जख्मी हो, तुम उठ नहीं सकते, हिम्मत करो, उठने की कोशिश करो प्लीज। कम ऑन, चलो। चलो जल्दी चलो। तुम्हारा फोन यूज कर सकती हूँ प्लीज? हाँ प्लीज। थैंक यू सो मच। हिम्मत रखो एंस, हिम्मत रखो। हेलो, हाय हाय, मैं अपने दोस्तों के साथ बेयर क्लॉ माउंटेन आई थी, किसी ने मेरे दोस्तों को मार डाला और एक दोस्त बहुत जख्मी है, प्लीज हमें आपकी मदद की जरूरत है अभी तुरंत। नहीं, उसने शेरिफ को भी मार डाला, इसीलिए प्लीज बैकअप भेजिए। मुझे कुछ नहीं पता, बस किसी को भी भेजिए, हमें मदद की जरूरत है तुरंत अभी। हम बेयर क्लॉ रोड पर वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। हाँ, लेकिन शहर तो ईस्ट की तरफ है। ये सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, हमें यू टर्न मारना होगा। पहले मुझे अपनी कैबिन जाना नहीं, होगा। नहीं, हमारे पास वक्त नहीं है, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। मेरा बॉयफ्रेंड अभी भी वहाँ पर है, मैं उसे वहाँ नहीं छोड़ सकती। मेरी बात सुनो, पुलिस बस यहाँ आती ही होगी और वो उसकी मदद कर सकती है हमसे कहीं ज्यादा। हमें इसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाना होगा। यही रुको, मैं आती हूँ प्लीज। जख्म दबा कर रखो, वो आ रही है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जेम, जेम, ओह माय गॉड, तुम ठीक तो हो ना? हमें यहाँ से निकलना होगा, प्लीज खड़े हो जाओ जेम, प्लीज चलो यहाँ से। कम ऑन जेम, हम यहाँ नहीं रुक सकते, हमें यहाँ से चलना होगा। मुझे अकेला छोड़ दो। मेरी बात सुनो जेम, हम यहाँ सुरक्षित नहीं है। अब तुम्हारे लिए यहाँ कुछ नहीं बचा, जिंदा रहना चाहती हो तो जाओ यहाँ से। ओह गॉड, ये कब आएगी? एंस वो जल्दी आ जाएगी, तुम हिम्मत मत हारो। बहुत दर्द हो रहा है, मैं और नहीं सह सकता। बहुत हुआ, मैं वेट नहीं कर सकती, मैं खुद देखकर आती हूँ। एमा रुक जाओ, मैं बस अभी आई हूँ। एमा सुनो, हे सुनो, उन बच्चों को मैंने मारा, मैं खुद को रोक नहीं पाया,
शक्ति मुझ पे कंट्रोल की हुई है, मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूं। तुम भी अपने दोस्तों की तरह मर जाओगी, वो आ रहा है। तुम ये क्या बोल रहे हो मेरे दोस्तों के बारे में? तुम्हें कैसे पता चला वो लोग मर चुके? गोली गोली मारो, मारो मुझे, मार दो। क्या कर रहे हो? खोलो दरवाजा। प्लीज दरवाजा मत खोलो। डालो मुझे। तो फिर हमें दरवाजा तोड़ना होगा। माउंटेन रोड पर इमरजेंसी है। शिट। कहाँ चला गया वो? रहो। मेरा मुकाबला करो, आ जाओ। ओह गॉड नो, रुको। एमा जल्दी चलो। एमा तुम्हारे लिए लड़ रहा है। छोड़ो मुझे, मेरी बात सुनो। तेरी तो मर जाओ। तुम लोग जाओ, जाओ। हमें निकलना होगा। भागो, जल्दी करो, भागो। चलो चलो, निकलो जल्दी यहाँ से। भागते रहो, भागते रहो, रुकना मत। कचरा है। Thank you.
उस हादसे के बाद वो सारे रहस्यमयी गड्ढे रातों रात अचानक गायब हो गए। उनमें क्या था ये राज हमेशा के लिए राज रह गया। लेकिन वो कमीना मेयर अचानक अमीर बन गया। इसीलिए शायद वो आपको रास्ते से हटाना चाहता था। तुम चाहो तो जिम शेरिडन की ऑटोप्सी रिपोर्ट देख लो। उसका शरीर कैंसर से खोखला हो चुका था, अंदर बिल्कुल जान नहीं बची थी। इतनी कोशिश के बाद भी जिम अपनी किस्मत नहीं बदल सका। कोई भी किस्मत को मात नहीं दे सकता शेरिफ। वैसे बाद में उस क्रीचर का क्या हुआ? मैं कई साल इस बारे में सोचता रहा। वो चीज एक बीमारी थी। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? वो बीमारी बहुत तेजी से फैली और उसने सिर्फ तंदुरुस्त लोगों पर हमला किया और फिर अचानक गायब ही हो गई। कोई बीमारी इतनी आसानी से नहीं जाती। तो फिर उस चीज का हुआ क्या? शायद छुप गई होगी या फिर उसने कोई दूसरा रूप ले लिया होगा, मैं नहीं जानता। लेकिन इतना पता है मुझे कि तुम्हारे सभी सुनने वालों को बेयर क्लॉ माउंटेन से दूर रहना चाहिए। इतनी खतरनाक बीमारी को जड़ से मिटाना नामुमकिन है। मैं कहना चाहती हूँ वो चीज जिंदा है आज भी इस शैडो लैंड में। तो बाकी सर्वाइवर्स का क्या हुआ? उनसे फिर कभी मुलाकात हुई? उस हादसे को काफी वक्त हो गया, उसके बाद मैं किसी से नहीं मिला। वैसे आप ये जानकर हैरान होंगे वो सब मर चुके हैं। क्या? आपको बता दूं पिछले हफ्ते किसी ने चोरी करते वक्त एंस का गला काट दिया। शहरों में ऐसे हादसे होते रहते हैं। तो अब मेरे ख्याल से बैरक्लॉ मैसेकर के बारे में जानने वाले सिर्फ आप बचे हैं शेरिफ। नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ। जंगल में दो लड़कियां और मिली थी, वो अभी भी जिंदा हैं। नहीं, टमारा ली की मौत हो चुकी है। उसे हम क्या कहते हैं? हाँ, मौत का शिकंजा। उसकी 5 साल पहले कैंसर से मौत हो गई। कैट सैमसन, वो उसे मेरे बाद हॉस्पिटल लेकर आए थे और उन्होंने कहा कि वो हमले में बच गई थी। ओह, वो कोई हमला नहीं था शेरिफ, उसका रेप हुआ था। उसका रेप हुआ था जंगल में? और वो इतनी मजबूत थी कि वो 4 महीनों तक लड़ती रही और फिर उसने एक हेल्दी बच्चे को जन्म भी दिया। डॉक्टर्स ने इसे चमत्कार माना और वो बच्चा बहुत तेजी से बड़ा हुआ, किसी भी नॉर्मल बच्चे से दुगनी रफ्तार से। वो बच्चा किसी बीमारी से कम नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे ये तोहफा मिला था अपने डैडी से, जिसे उसने कभी नहीं देखा। उसे अपने डैड से बहुत से तोहफे मिले और बदले में वो भी अपने डैड को कुछ देना चाहती है। इसीलिए आज मैं यहाँ आई हूँ तुम्हारे लिए। ये तोहफा तुम्हारे लिए है डैडी। मेरा तोहफा कैसा लगा आपको? नहीं, प्लीज, नहीं।